का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है और हर साल की तरह इस साल भी गोपालष्टमी पहली तारीख मंगलवार को मनाई जाएगी बड़े धूमधाम से। सब लोगों की दुआएं, आप लोगों की दुआएं हो तो ये पूरे भारतवर्ष में मैसेज जाएगा और आप लोगों का आशीर्वाद हो तो पूरे विश्व में भी ये मैसेज जा सकता है कि आपके माध्यम से सारे काम होते हैं। तो मैं ये कहूँगा सत्कर्म पर हम सब चलते रहें और उस दिन गोपालष्टमी के दिन भगवान ने उस दिन गौ माता की सेवा शुरू की थी। वृंदावन में डेढ़ कदम जगह है जहाँ भगवान को कृष्ण और बलराम को बनाकर हर घर घर में जाते हैं, प्रसाद खिलाया जाता है और उसी दिन से गायें भगवान ने चराना शुरू की थी और भगवान बंसी जब बजाते थे सब गायें आ जाती थी, कुछ गायें छुप जाती थी वो क्योंकि बार बार भगवान को बंसी बजाने पे मजबूर करती थी कि हम भी बंसी की धुन सुने और भगवान के साथ इतना लगाव था। और गौ माता में 33 कोटि देवता है ये तो सारा विश्व जानता है, सारे संत महात्मा शास्त्र में ये पाया गया है कि जो खुर है गौ माता का उसमें सारे तीर्थ निवास करते हैं और जो गौ माता के सिंह हैं उसमें सारे देवी देवता निवास करते हैं। गाय के गोबर में गोत्र का, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है और गोत्र में सरस्वती का वास है और स्वयं हनुमान जी कुशल में विराजमान है। और जो गाय का कुबड़ है वो सूरी नाड़ी बोला जाता है और गाय में हाथ फेरने से मैं कहता हूँ शास्त्र कहता है सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर जूटी ले लद्दाख और भारतवर्ष पर निरंतर है। यहाँ पहली तारीख को गोपालष्टमी मनाई जाएगी, सुबह 9:30 बजे हवन होगा और 10 बजे 10:15 बजे पूर्ण मुहूर्ति होगी, उसके बाद भजन कीर्तन होगा, 12 बजे भंडारे का आयोजन किया जाएगा और उसमें ही गौ सेवा और गौ का पूजन भी होगा। तो इसीलिए हमें सबको एक दूसरे का साथ देके एक दूसरे के साथ चल के गौ माता की सेवा करनी। शास्त्र कहता है जहाँ गौ माता सुख का सांस लेती है वही सारा सुख समृद्धि हर चीज की प्राप्ति होती है। आज भी आप गांव में जाओ तो जगह जगह आप गांव में अपने घरों में गाय के गोबर से लेप करते हैं। शास्त्र करता है जिस गाय में गाय के गोबर से लेप होता है उसमें सारे तीर्थ निवास करते हैं और देवी देवता वही वास करता है, उसके घर से कभी लक्ष्मी बाहर जाती नहीं। तो जब भगवान को पूतना उठा के ले गई थी तो भगवान को भगवान ने तो मुक्ति दी, माँ की मुक्ति दे दी, तो भगवान को जब उठा के लाया नंद महाराज और यशोदा मैया ने गाय का गोबर और गाय का गूत्र लिया एक बाल्टी में मिक्स करके भगवान को अच्छी तरह से मल के स्नान कराया और जमुना जी के जल से उनको नहला के शुद्ध किया और गाय के पूषण से उनको झाड़ा। भगवान ने प्रमाण बताया कि गाय की गूत्र, गाय का गोबर और गाय की जो पूछ है, हम लोग भटकते रहते हैं, अगर गाय की पूछ से भी हम झाड़ा फेरें तो कहता हूँ कि सारे उसमें से जितने भी कोई क्लेश हो या किसी चीज का वास हो वो सब खत्म हो जाता है, जो अच्छी चीज है उसमें प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए हमें गौ की सेवा कहीं भी मिले, कोई जरूरी नहीं आप गौशाला में सेवा कर सकते हो, घर बाहर जहाँ भी हो गौ माता की सेवा। अगर एक मैं एक जगह बाहर गया, वहाँ नाम नहीं लेंगे, किसी कुत्ते को किसी गाड़ी ने मार दिया तो वहाँ के फटाफट गाड़ियाँ खड़ियाँ करके उस कुत्ते को उन्होंने उठाया और उस पर चादर दी और वहाँ मशीन से उन्हें खड्डा करके उस पर मंत्र के द्वारा उसको किया गया। और कहीं गौ माता का अगर कहीं एक्सीडेंट या कुछ होता है, हमारा सबका फर्ज बनता है कहीं भी गौ माता मिले, गौ माता में 33 कोटि देवता है और जब गौ माता की रक्षा सुरक्षा के लिए आप आओगे पूरा परिवार ब्रह्मांड हिल जाएगा और आपको सेवा आशीर्वाद देने के लिए वो तैयार हो जाएगा। कहीं भी गौ माता मिले हमें कभी उसमें कोई कमी ना रखे, उसकी सेवा में जो बन पाए, कोई जरूरी नहीं आप करोड़ों रुपया देंगे तो उसी से सेवा होती है, आप खाली गौ माता का सेवा दर्शन करके उस पर हाथ भी फेरे तो गौ माता प्रसन्न हो जाती है। तो आपने देखा होगा बाहर भारत में 200-500 डॉलर ले रहे हैं हाथ फेरने का, क्योंकि जो उनके पास जर्सी गाय है देसी नहीं है, और यहाँ हमारे पास मूल देसी गाय है। अगर जर्सी गाय को हाथ फेरने पे उनको फल मिल रहा है तो जो देसी गाय है हमारी, जो भगवान के समय की गाय है, अगर हम उस पर हाथ फेरेंगे तो कितना फल प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें गौ माता की सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। पूरे शहर को निरंतर है वो सब आए गौ माता का आशीर्वाद ले, गौ माता का रख रखाव करने के लिए जो बन पाए वो करना चाहिए, अपने पितरों के नाम का गौ माता के आगे अर्जी लगानी चाहिए, गौ माता
हमारे जो करोड़ों जन्मों के बिदर गए हैं उनको भी अपने गांव, अपने देश में गो माता अपने वहां वास करें और हमारा जो परिवार है सुख शांति से जब वहां वो लोग धाम में रहेंगे वहीं से आपको वो आशीर्वाद आएगा, उससे ही सारी प्राप्ति होती है। तो इसलिए गो माता की सेवा, रक्षा और सुरक्षा ये जरूर करनी। आपने देखा गो माता के नाम पर ही गोत्र बना, गाय के ऊपर ही गौ बने, गौ माता के ऊपर ही महाभारत हुई, गौ माता के रिलेटिव सब कुछ हुआ। तो इसलिए हमें गौ माता की सेवा हर वक्त करते रहना चाहिए। जब कहीं गौ माता ना भी मिले तो अपने ध्यान में जहाँ भी हमने गौ माता को देखा हो उस पर ध्यान करें, तभी गौ माता का आपको बल प्राप्त होता है। हम बड़े भाग्यवान जीव है, ये जम्मू कश्मीर जो धरती है देव भूमि है। कलकत्ता में 100 किलोमीटर में आपको गाय नहीं मिलेगी, वहाँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि वहाँ गाय नहीं मिल सकती, उनको गाय नहीं मिलती। हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें गाय के दर्शन होते हैं, घर से बाहर निकलते हैं कोई ना कोई गाय के लिए कुछ ना कुछ लेने आ जाता है। हम बहुत भाग्यवान जीव है जो देश हमारा जम्मू कश्मीर जूटी, यहाँ भगवान की बहुत कृपा है, धर्म भूमि है। श्रीनगर किया बोला जाए श्री श्री को लक्ष्मी लक्ष्मी नगर अनंत वासुदेव भगवान शयन करते हैं जब शेषनाथ पे, तो यही है सारा। ये कश्यप ऋषि ने बसाया था, सब पानी था, पानी से यहाँ सारे देवी देवता निवास किए, पांडु ने यहाँ वनवास काटा, सारे देवी देवता यहाँ आए, भगवान का यहाँ जमंत के साथ युद्ध हुआ, शंकर जी मानतलाई में शादी हुई। यहाँ बहुत से इतिहास ऐसे हैं जो लोगों को नहीं पता, तो इसलिए हमें कहीं भी जाना वहाँ का इतिहास भी अपना जरूरी है। हमारे शास्त्री जी हैं शास्त्र का जो पूरा ज्ञान रखते हैं, ये थोड़ा विस्तार पूर्व में आपको ज्ञान का थोड़ा ये बताएंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाल अष्टमी, जिसे हम गो अष्टमी गोपाष्टमी भी कहते हैं, वो त्यौहार जो है पूरे विश्व की तरह हर वर्ष की तरह जम्मू कश्मीर गोरक्षा समिति की तरफ से गौशाला, जम्मू की जो सबसे बड़ी गौशाला है गौशाला अम्फला में कार्यक्रम जो है 1 नवंबर मंगलवार को मनाया जा रहा है। ये जो कार्यक्रम है सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक पूजा हवन और पूर्ण आहुति जो है वो 11 बजे होगी, उसके बाद सत्संग और 12 बजे के बाद जो जहाँ पे गो माता को लगाया जाएगा भंडारे का, और भंडारा जो है वो 12 बजे के बाद खोला जाएगा। तो कृपया समस्त जम्मू वासियों से और विश्व में जितने भी सभी को गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त हो, और जो जम्मू के जम्मू वासी हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया गौशाला में आए, माता गौ माता की परिक्रमा करें। देखिए जानी कानी च पापाणी जनमंत्र करदानी च ताणी सर्वाणी नश्यंतु प्रदक्षिणाए पदे पद गौ माता। देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि परिक्रमा करने से जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो गौ माता जिसमें 33 कोटि, जब प्रधान साहब जो हमारे प्रधान जी हैं वो बता रहे थे कि गौ माता में 33 कोटि देवता वास करते हैं, तो 33 कोटि देवता की परिक्रमा करने से आप समझ जाइए कि हमारे कितने पापों की मुक्ति होगी और गौ माता का आशीर्वाद जो हमें प्राप्त होगा। तो कृपया सभी जम्मू वासियों से अनुरोध है कृपया गौशाला में आए, गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करें और पुण्य के बागी बने। धन्यवाद। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है, आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ। Ring me, ring me, that's my lemon on it. Ring me, ring me, ring me, that's my baby.
providing latest education in its state of the art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. और रेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज्यादा है, जबकि और रेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Orion, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Orion is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehndi courses so close to the students' home, that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Orion produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective fields. So, what are you waiting for? Join Orion Institute of Beauty and Wellness. NIST. Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions, now also in Gandhinagar, Jammu. State of the art infrastructure. Real time practical and skill based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality, but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn and exit with multidimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hair dressing and nail extensions. NIST, 48D First Floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Paribrahmi.